Shah Rukh Khan was recently honored in London when he was presented with a Global Diversity Award in the House of Commons in the presence of several British dignitaries. Shah Rukh ko films mein unki contribution ke liye is award se saraha gaya. खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में उनके भाई साजिद एक कैमियो करते दिखेंगे वेयर ही विल बी प्लेइंग अ फिल्म डायरेक्टर. इससे पहले फराह खान की फिल्म मैं हूं ना में साजिद मेड अ स्पेशल अपीयरेंस. इस टू बी रिलीज्ड एसआरके दीपिका पादुकोण स्टारर में साजिद के साथ साथ अनुराग कश्यप और प्रभु देवा भी कैमियो कर रहे हैं. Aditya Roy Kapoor, who has become a name to reckon with, started his career doing supporting roles before he finally got his big break with Mohit Suri's Aashiqui 2. Apne journey ke bare mein Aditya kehte hain, I was never disheartened that I did not get solo hero movies. Even when I was doing supporting roles, I always had this belief that one day the opportunity to play a lead would come my way. Tanisha Mukherjee was about to make her debut in Marathi films with Akshay Kumar's production Antar. Aur is film ki shooting unhone pichle saal London mein ki thi before she got busy with her reality show. Is show ke baad, Tanisha reportedly didn't allot shoot dates for the film for a while aur ultimately unhe is film se drop kar diya gaya. Nawazuddin Siddiqui ko kai directors sign karna chahte hain lekin most of them ye nahi kar pa rahe hain. As apparently he has hiked his remuneration to an insane amount post the success of Kick where he assayed a negative role. Aisa report kiya gaya hai ki Shahid Kapoor starrer film Farzi ke liye Nawazuddin is being paid a whopping rupees 1 crore. Kehte hain humko pyar se India wale chhoote dukhe taar se India wale. हैप्पी न्यू ईयर की गैंग शाहरुख खान अभिषेक बच्चन सोनू सूद बमन ईरानी विवान शाह और डायरेक्टर फराह खान की ये मस्ती भरी डांस परफॉर्मेंस है जी टीवी के न्यू शो दिल से नाचे इंडिया वाले के लॉन्च के लिए जहां इन सभी को हमने स्पॉट किया इन अ फन मूड. कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छूते दिल के तार से इंडिया वाले हर जीत जीत ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया. सड़कों पर झाड़ू लगाते ऋतिक रोशन को देखकर आप भी हैरान हो गए ना. लेकिन ऋतिक का ये इनिशिएटिव है क्लीन इंडिया कैंपेन के लिए जिसे सपोर्ट करने आए ऋतिक रोशन ने न सिर्फ खुद अपने हाथों से झाड़ू लगाया बल्कि ट्री प्लांटेशन करते हुए भी दिखे. अनुपम खेर नेहा धूपिया दिव्येंदु शर्मा अदिति शर्मा और 21 तोपों की सलामी की बाकी स्टार कास्ट एक साथ नजर आई स्वच्छ भारत कैंपेन को सपोर्ट करते हुए जिसके लिए इन्होंने भी सड़कों पर झाड़ू लगाया और आम जनता के बीच क्लीन इंडिया कैंपेन के लिए अवेयरनेस क्रिएट की. गॉर्जियस सुष्मिता सेन और दिया मिर्जा मिंट्रा फैशन वीकेंड डे 1 पर नजर आई रैंप पर जलवे बिखेरते हुए. लेट्स टेक अ लुक. दिव्या दत्ता को हमने रिसेंटली स्पॉट किया एक आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सिबिशन को इनॉग्यूरेट करते हुए जिन्होंने इस एक्सिबिशन को काफी एंजॉय किया. हाल ही में जॉन अब्राहम ने उनकी फुटबॉल टीम के लिए एक स्पेशल डिनर ऑर्गेनाइज किया वेयर हिज वाइफ प्रिया अकॉम्पनीड हिम. ऐसा सुनने में आया है कि मिसेस अब्राहम इस डिनर के दौरान मोस्टली साइलेंट रही एंड नॉट ओनली डिड शी नॉट एंटरटेन एनीबॉडी मच बट शी आल्सो एक्टेड क्वाइट स्नूजी. धनुष ने हाल ही में वेटरन एक्ट्रेस रेखा के साथ ट्विटर पर एक पिक्चर पोस्ट करते हुए रिवील किया कि ही विल बी शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद हर इन आर बाल्कीज शमिताभ. रेखा जी इस फिल्म में एक छोटी सी रोल में नजर आएंगी बट नो वन इज शेयरिंग वेदर शी विल फाइनली बी शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद अमिताभ बच्चन इन द फिल्म और नॉट. मुंबई की एक इंग्लिश डेली की माने तो सोनाक्षी सिन्हा हैज बीन अप्रोच्ड टू प्ले पोएट अमृता प्रीतम्स रोल इन अ फिल्म अबाउट हर लव स्टोरी विद साहिर लुधियानवी. इस रोल के लिए इससे पहले प्रियंका चोपड़ा ऑलमोस्ट फाइनल कर ली गई थी बट शी ऑप्टेड आउट ऑफ द फिल्म एंड इरफान खान हु हैड बीन अप्रोच्ड टू प्ले साहिर रोल हैज ऑल्सो ऑप्टेड आउट ऑफ द फिल्म.
फिल्म पीके में अनुष्का शर्मा इज सीन स्पोर्टिंग शॉर्ट हेयर और अपेरेंटली डायरेक्टर राजकुमार हिरानी चाहते थे कि अनुष्का चॉप्स ऑफ हर हेयर फॉर दिस फिल्म व्हिच शी कुडंट डू बिकॉज़ ऑफ हर अदर फिल्म कमिटमेंट्स आफ्टर एन एक्सटेंसिव लुक टेस्ट फाइनली अ सर्टेन विग वाज फाइनलाइज्ड फॉर अनुष्का फॉर दिस फिल्म व्हिच अकॉर्डिंग टू हिरानी एड्स एन एक्स्ट्रा डायमेंशन टू हर रोल डायरेक्टर नीरज पांडे बहुत जल्द महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक पर काम शुरू करेंगे विच विल मोस्ट लाइकली स्टार सुशांत सिंह राजपूत नाउ इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट दिस फिल्म विल बी को प्रोड्यूस्ड बाय धोनी हिमसेल्फ ऋतिक रोशन अनिल कपूर हुमा कुरैशी एंड ईशा गुप्ता रिसेंटली नजर आए एक हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन पर आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक छोटी सी झलक अमिताभ बच्चन अलॉन्ग विथ नीतू कपूर एंड इलियाना डी क्रूज पहुंचे डॉक्टर जयश्री शरद की बुक स्किन टॉक को लॉन्च करने के लिए लेट्स टेक अ क्विक लुक ये सभी बी टाउन ब्यूटीज एक साथ रैंप पर उतरी आईबीजे फैशन शो के लिए तो चलिए आपको दिखाते हैं इस ग्लैमरस एंड ग्लिट्सी फैशन शो की एक खास झलक मिंट्रा फैशन वीकेंड का डे 3 रहा काफी एक्साइटिंग जिसके लिए ऋतिक रोशन बने शो स्टॉपर वहीं इस फैशन वीकेंड के डे 2 पर रैंप पर दिखे ढेरों बी टाउन सेलेब्स सो लेट्स चेक देम आउट मुझको के वादे से पीछे हट जाऊं हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसका मैंने कल जिक्र किया था आपको वो है एक स्पेशल पैनल और उस स्पेशल पैनल में आएंगे अलग अलग हस्तियां इस बार है हमारे एंडी और हमारी काम्या एंडी काम्या जी एंडी ने अपने आप को एक अलग ही मुकाम पर ले गए हैं मुझे याद है कि जिस वक्त यहाँ से निकले और हमने एक छोटी सी पार्टी दी थी तो हर एक को एंडी का ऑटोग्राफ चाहिए था That was insane. And then, काम्या, जिन्होंने एंड तक बहुत ही करेक्ट स्टैंड्स लिए हैं बहुत ही सही सही मुद्दे पकड़े हैं कोई फालतू का ड्रामा नहीं किया उन्होंने और एंड तक चली हैं
पिछले सीजन के बड़े ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे दोनों, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही करेक्ट, सुलझे हुए रास्ते पे चले हैं, इसलिए आज दोनों यहां पर बैठे हैं। बताओ हमने सब एपिसोड्स देखे हुए हैं, हम दोनों और ऑडियंस ये फील करती है और ये कहना चाहती है कि आप सब अभी भी 2 हफ्ते बीत चुके हैं लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा सहमे हुए से और बहुत गार्डेड लग रहे हैं। करिश्मा, आपको क्या लगता है कि सब खुलकर क्यों बाहर नहीं आ रहे हैं? मुझे लग रहा है कि कोई कोई लोग कॉन्शियस है, मुझे लग रहा है कि कोई कोई लोग खुलकर बाहर नहीं आ रहे हैं। पर जब मैं बिग बॉस में आने वाली थी, मैंने बोला था कि मुझसे पर्दा वर्दा नहीं होता है, मैं एक वॉल लेकर नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी है कि जो मैं दिल में है वो मेरे मुँह पे है। और हाँ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मैं नहीं बोलूँगी नकाब है उनके चेहरे पर खुलकर नहीं अभी तक बाहर आए हैं। तो आर्या जी, जी ऐसा लगता है आप हर वक्त कोई ऑडिशन दे रहे हैं। ओह माय गॉड, ओके, आप क्या है ये अब तक कोई समझ नहीं पाया। आइए खुलकर बाहर आइए, भूल जाइए आसपास कैमरा है। और आर्या, एक और बात जो मैंने नोटिस किया है कि ये लड़कियों के कंधों पे बंदूकें चलाना तो काफी, कंधे पे बंदूक रख के चलाना हाँ वही, इंग्लिश इज गुड। तो आप थोड़ी मतलब जब किसी को इकट्ठा कर लेते हो कुछ करने के लिए, आप किचन तक पहुंच जाते हो पूरा ग्रुप के साथ, भैया चलो, और फिर कुछ नहीं बोलते, और जब बोलते हो पहुंचता है यार, और जब बोलते हो वो कुछ गलत ही निकल आता है। एंडी, मैं वैसा नहीं हूँ कि मैं लड़कियों के कंधे पे रख के बंदूक चलाऊं। उबेन, आपको क्या हो गया है? पहले हफ्ते एटलीस्ट आप नजर आ रहे थे, आप बात कर रहे थे, आप नताशा की बैक पर कमेंट कर रहे थे बार बार, जो कि बहुत बुरा लगा, आप बहुत बुरे लगे उस वक्त, लेकिन पुनीत जी, हाँ जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हाँ जी, हम सब जानते, पर आप सबको खुश नहीं रख सकते, आप अपने आप को खुश रखिए बस। बाहर दुनिया में क्या आप सबको खुश रख सकते हो? नहीं। तो फिर मेरा कोशिश है कि प्रयास जितना हो सके, अगर मैं सबको लाइक बच्चे नहीं, फिर आपको लोग गलत समझेंगे, ये एक बिग बॉस का घर है और यहाँ पे कोई रिश्तेदारी नहीं काम आने वाली है। मतलब ये कमाल का सीजन है, फर्स्ट हफ्ते में ही तू मेरा भाई, तू मेरी बहन, बड़ा भाई, छोटा भाई, छोटी बहन, ये वो, कोई किसी का नहीं है, सब अकेले हैं, मैं बार बार कह रही हूँ। आपको क्या लगता है इस पूरे माहौल के बारे में, जो भाई बहन, रिश्तेदारी, टास्क, गालियाँ, नॉमिनेशन? गौतम से एक बात निकली, अब उसके गौतम वो ही बात मुझे बोलो, आप क्या बोला था आपने, बोलिए, मैं कह रही हूँ, आप बोलिए मुझे, बोलिए ना क्या बोला था, मैंने बहुत बहुत सुना है, उसका 0.1% भी आपने नहीं कहा, बोलिए ना, मैंने भी बहुत सुना है, आप बोलिए ना, आपने क्या कहा था, ये वैसी बहुत रिग्रेट है, बोलिए, मैं आपको बोल रही हूँ, बोलिए, यस आई एम वन, स्टे अवे। गौतम, एक और बात, ये अपना ये जैकेट उतारो, ये पहले आपने ये नहीं पहना था, निकालो, अब इतनी अच्छी बॉडी है तो दिखानी तो चाहिए ना, किसी को प्रॉब्लम है तो बाहर में जाए, इसको तो मौका चाहिए, फाइनलिस्ट। इस घर की सारी महिलाओं से मेरा एक सवाल है, क्या औरत मर्दों से किसी भी मामलों में कम है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बार बार ऐसे क्यों कहा जाता है कि औरत को गाली दी, औरत को ये बोला, औरत के साथ बदतमीजी की? बदतमीजी किसी के साथ अलाउड नहीं है, तो क्या मर्द को गाली देंगे तो चलेगा? वो भी नहीं चलेगा, गाली गाली है, बिल्कुल, माफी मांगी, खत्म होगी बात। तो आप बार बार करिश्मा ऐसे बोलकर आपने औरतों को कमजोर दिखाया है, ऐसा दिख रहा है बाहर, आप बहुत बुरी लगी है। आपको लगा कि गौतम गिल्टी है, करेक्ट? Correct. आपको लगा कि गौतम ने मुझे सॉरी कहा, करेक्ट? करेक्ट। कर जब सलमान ने पूछा था कि आप गौतम 3 लोगों को नॉमिनेट करो, तो उसने मेरा नाम क्यों लिया? अगर क्योंकि आपने सॉरी एक्सेप्ट नहीं की, आपने बात का इतना बतंगड़ बनाया, उसकी जगह मैं होती तो मैं भी नॉमिनेट करती आपको। क्यों? क्योंकि मैंने सॉरी, मुझे उस वक्त मूड नहीं था सॉरी सुनने का। ऐसे कैसे हो सकता है, आप तब सुनेंगी, आप तब नहीं सुनेंगी? क्योंकि हम सबको ऐसा लग रहा है कि उसकी सॉरी रियल नहीं थी, हम सबको। पर ये जेन्युइनिटी कहाँ से पकड़ के लेके आओगे कि ये भाई ये जेन्युइन है, ये नहीं है, यहाँ पे कोई थर्मामीटर पकड़ लो।
करिश्मा ऐसी शक्लें बनाने से कुछ नहीं होगा, द डैमेज हैज बीन डन, उसको रिपेयर करो आप, आपके लिए अच्छा होगा। डैमेज हैज बीन डन नहीं, वो डैमेज आपने किया अपने आप के लिए जी, मैंने आपने उसको हीरो बना दिया, आपने हीरो बना दिया उसको। पर उसने एक बार बोला मुझे, उस वक्त मैं इतनी हर्ट थी मुझे सॉरी नहीं लेना था, नेक्स्ट डे शायद वो। आप मुझसे ज्यादा हर्ट नहीं हो सकती, जो गालियां मैंने सुनी थी सीजन 7 में। आप अलग हो मैं अलग हूँ काम्या, नहीं नहीं बट गालियां वही मैं आपसे कह रहा था, गालियां रॉन्ग ही होती है। करिश्मा नेक्स्ट डे आता तो मैं सॉरी शायद ले लेती, पर वो नेक्स्ट डे नहीं आया। करिश्मा कितनी बार आएंगे, ये क्या क्या एक आई थिंक एक सेकंड चल दे रहे हैं, मैंने गिना 8 बार। वही कह रहा था आपसे, नहीं बोला सॉरी, आप फुटेज देख लीजिए उसका, मैं हम देख कर आए, हमने देखी फुटेज, नेक्स्ट दिन नहीं आया था वो, उसी वक्त वो कह रहा था सॉरी, आपका हाथ पकड़ के कह रहा था, गले लग के आप दोनों रोए हैं एक दूसरे के। घर वालों में आपको एक टिप देना, एक विशेष टिप्पणी, वो है कि अगर कोई अकेला पड़ जाता है ना घर पे, अगर आप पाउंस करोगे ना उसके ऊपर, यू नो वो टॉप 5 तक तो पहुंचेगा, बाहर लोग उसको प्यार करेंगे। आप ध्यान रखो, इसी को यू नो टॉप 5 तक मत बचाओ, यू नो आप सोचो अपने के लिए, अगर गेम खेलो सही खेलो,